Hello dear student, now we continue our chapter. This is video number 2, ongoing chapter, Mahatma Gandhi and Nationalist Movement, class 12th, history. This is video number 2. Now Gandhiji was involved in the two campaigning his home state of Gujarat. You know, previous video we have discussed their first movement started Champaran, Champaran Satyagraha movement. Now second home state there is Gujarat. यहाँ पे उन्होंने दो किए बेटा, कीड़ा मूवमेंट एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, टेक्सटाइल्स जो यहाँ के थे मिल स्ट्राइक्स. सो फर्स्टली ही पार्टिसिपेट इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक इन द फेबरी मार्च 1918. अब देखिए बेटा, यहाँ पे इनको अरेंज करने के फॉलो में क्वेश्चन बन सकता है. सो फर्स्ट इज चंपारण, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, देन कीड़ा मूवमेंट. तो इनका सिक्वल याद रखना बेटा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक ऑफ द फेबरी मार्च इन 1918 एंड डिमांडिंग द बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर टेक्सटाइल मिल वर्कर्स. अब देखिए बेटा, अहमदाबाद जो मिल में मजदूर काम कर रहे थे बेटा, दे डिमांड फॉर देयर द बेटर वर्किंग कंडीशन. ठीक है, सेकेंडली ही ज्वाइन द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा सत्याग्रह हु डिमांड द रिमिशंस ऑफ द टैक्सेस फ्रॉम द स्टेट्स फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट. अब जब उनकी फसल ख़राब हो गई उसके बाद भी जो उनसे टैक्स ले रहे थे बेटा, उसमें कुछ उनको छूट देना या टैक्स को माफ़ करना, उसको लेकर उन्होंने वहाँ पे अपने मूवमेंट स्टार्ट किए. इन द खेड़ा द महात्मा गांधी इनिशिएटेड द फर्स्ट सत्याग्रह रिवॉल्यूशन आल्सो. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉलेट एक्ट, द रॉलेट एक्ट वॉज द पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन द मार्च 1919. देखिए बेटा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक लॉ को इनेक्ट किया था या पास किया था, एक बिल को, वी हैव नोन रॉलेट एक्ट. और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था बेटा, मार्च 1919 में. दिस एक्ट ऑथोराइज, अब इस एक्ट में क्या इंपॉर्टेंस था, दिस एक्ट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन्स. अब देखिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग विदाउट द ट्रायल ऑफ एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ द टेररिज्म, किसी भी पर्सन को बेटा बिना ट्रायल के, बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशंस के, बिना किसी बेल के उसको अरेस्ट कर लेते थे और उसकी बेल भी नहीं होती थी विद इन द 2 ईयर्स. गांधी जी कॉल फॉर द कंट्री वाइड एजिटेशंस अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ऑन द अप्रैल 6. द हर्बल वॉज डिक्लेयर्ड बाय द गांधी जी. ठीक है, ये बेटा हड़ताल होगा, हर्बल नहीं, दैट इज मीनिंग द विल बी चेंज, हड़ताल. ठीक है, सो ऑन द 6 अप्रैल पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम वी हैव ऑर्गेनाइज द हड़ताल. हड़ताल नॉन मीन्स स्ट्राइक. ठीक है, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ग्रू प्रोग्रेसिवली इंस्टेंस द रीचिंग द क्लाइमैक्स इन द अमृतसर इन अप्रैल 1919. ठीक है, यहाँ पे बेटा जलियांवाला बाग मस्कस होगा. वेन द ब्रिटिश ब्रिगेडियर ऑर्डर हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द नेशनलिस्ट मीटिंग, मोर देन द 400 पीपल्स वर द किल एंड इन द वॉट वी इज नोन द फेमस जलियांवाला बाग मैसेकर्स इन द 13th अप्रैल 1919. वहाँ पे मीटिंग हो रहा था बेटा, पब्लिक मीटिंग था, अपने प्लान्स डिस्कस कर रहे थे नॉर्मली. ठीक है, विदाउट एनी आर्म्स वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आते हैं जनरल डायर्स एंड दे शूट द पीपल्स. ठीक है, इट वॉज द रॉलेट एक्ट एंड डेट मी द गांधी जी द ट्रूली नेशनलिस्ट लीडर, नेशनल लीडर. अब यहीं से बेटा इसके बाद गांधी जी का इमेज एज द नेशनल लीडर बना बेटा, इंक्रीज बाय इट्स द सक्सेस. गांधी जी कॉल फॉर द चंपारण ऑफ द नॉन वॉलियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद द ब्रिटिश रूल. नाउ वी स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फैक्टर्स लीडिंग टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब विच इज़ द मेजर फैक्टर्स, ऐसे कौन से कारण थे बेटा जिसके कारण उन्होंने नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिकॉज 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटिश ऑल्सो द इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड लॉस इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, प्रेस की सेंसरशिप को भी उन्होंने बेटा प्रोहिबिट कर दिया था, बंद कर दिया था, इंट्रोड्यूस ऑफ द रॉलेट एक्ट 1919. ये कुछ ऐसे रीजंस थे बेटा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिए और उन्हीं के बेस बना के फिर यहाँ पे बेटा गवर्नमेंट ने, महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द कांग्रेस पार्टी स्टार्ट किया. परमिटेड डिटेंशन विदाउट अ ट्रायल, कैंपेनिंग द कैंपेन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ऑल्सो. द गांधी जी डिटेन वाइल द प्रोसीडिंग टू द पंजाब, प्रमोट द लोकल कांग्रेस मैन अरेस्टेड एंड जलियांवाला बाग मैसेकर्स, सक्सेस ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह एंड गांधी जी कॉल फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है बेटा, जब रॉलेट एक्ट का उनको जो सत्याग्रह किया और जब वहाँ पर उनको बेनिफिट हुआ उसी के बेस पर फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया द कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. किसी भी टाइप का उनको हेल्प नहीं करना. गांधी जी डिसाइड टू द कपल ऑफ द खिलाफत इशूज विद द नॉन कॉपरेशन.
He wanted to bring Hindus and Muslims collectively to end the colonial rule and during non-cooperation movement also. Because, you know, after the First World War, the Turkey country tha, wahan pe, you know, the post of Khalifa. Khalifa is the leading religious teacher, yeah, jo impact tha in all over the country. Especially in the Muslim religious. अब हमारे यहाँ पे भी कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे थे, ठीक है. मोहम्मद अली एंड शौकत अली देरी द टू ब्रदर्स, उनसे महात्मा गांधी मिलते हैं और वो उनको हेल्प करने को कहते हैं. और बिकॉज दोनों ब्रदर्स कहते हैं कि आप हमारे खिलाफत मूवमेंट में हेल्प करें और हम बदले में आपकी हेल्प करेंगे. सो देर इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू इन फ्रंट ऑफ द महात्मा गांधी बिकॉज द कलेक्टिविटी जॉइन. बिकॉज गांधी जी को अब ये समझ में आ गया था कि बेटा हिंदू और मुस्लिम जब यूनिटी होगा तभी हम हमारे फ्रीडम को, हमारे स्वराज को गेन कर पाएंगे. सो स्टूडेंट स्टॉप द गोइंग टू स्कूल्स. अब वॉट इज़ द मेन फंक्शंस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. स्टूडेंट्स ने बेटा स्कूल्स जाना बंद कर दिया था. स्टॉप द स्कूल्स द कॉलेजेस रन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो ब्रिटिश स्कूल्स और गवर्नमेंट चल रहे थे वहाँ जाना बंद कर दिया. लॉयर्स उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया. द वर्किंग क्लास वेंट ऑन द स्ट्राइक इन द मैनी टाउन्स इन द सिटीज. हिल ट्राइब्स इन द नॉर्दर्न आंध्रा वॉलेंट फॉर द फॉरेस्ट लॉस. फार्मर्स इन द अवध रिफ्यूज टू द पे टैक्सेज. अवध इन द यूपी. These the protest movement were the sometimes carried out to the defiance the local nationalist leaderships also. And Gandhiji taught the people self-disciplines, renunciations, self-denial, ahimsa, satyagraha through the non-cooperation movement. The aim of the movement was self-rule, swaraj. The movement shocked the foundations of the British rules in India and the many Indians including Gandhiji's were put in the jail also. इन द फेबरी 1922 द ग्रुप ऑफ पीजेंट अटैक. अब देखिए बेटा बहुत अच्छा चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट फिर एक ग्रुप ऑफ पीजेंट ने अटैक कर दिया था एक पुलिस स्टेशन पे, चोरा चोरी इन यूपी में, ठीक है. सो चोरा चोरी इंसिडेंट होता बेटा फेबरी 1922 में, यूपी में है चोरा चोरी. एंड सर्वर पुलिस मैन वर किल्ड. दिस एक्ट इज द वॉलेंस. अब यहाँ से बेटा वॉलेंस स्टार्ट हो गया और बिकॉज यू नो गांधी इज नॉट फेवर टू द वॉलेंस. So the call of this movement. So in this video we have discussed major non-cooperation movement. Thank you.